है। लॉन्ग स्टॉप फॉल किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, बी नैनीताल, सी अल्मोड़ा, डी पौड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानुमति जल स्रोत किस जनपद में स्थित है? भानुमति जल स्रोत किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, बी चमोली, सी पौड़ी, डी अल्मोड़ा। तो ये स्थित है पौड़ी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पौड़ी में। गाइस आपको पता है कि जलप्रपात में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको सभी जलप्रपातों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। दो यहीं पे आ गए, लॉन्ग स्टॉप चमोली में हमारा, भानुमति पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूलकुंड किस जनपद में स्थित है? सूलकुंड किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, बी चमोली, सी उत्तरकाशी, डी अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुपिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? झुपिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए कान में, बी गले में, सी हाथ में, डी नाक में। तो झुपिया नामक आभूषण जो पहना जाता है वो पहना जाता है गले में। कहाँ पहना जाता है? गले में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और गाइस इसी में एक दूसरा आता है झुपझुपी, झुपझुपी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये मैं नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते हैं, क्योंकि झुपिया झुपझुपी को कोई एक ही समझेगा। तो झुपिया मैंने बता दिया गले में, और जो झुपझुपी नामक आभूषण हो जाता है वो पहना जाता है कान में, ठीक है। इंडियन वेटरिनरी रिसर्च उत्तराखंड में स्थापित की गई, कोसी कटारमल, बी ऋषिकेश, सी काशीपुर, डी मुक्तेश्वर। तो ये है मुक्तेश्वर में, मुक्तेश्वर कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना है? तो टिहरी बांध जो बना है वो बना है हमारा भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कार्यक्षेत्र पर्यावरण रहा है? ऑप्शन ए हरीश रावत, बी सुंदरलाल बोगुणा, सी डॉक्टर अनिल विश, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बोगुणा जी, ठीक है, इनका संबंध रहा है पर्यावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी? 1857 ईस्वी के विद्रोह में उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी? ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत, बी कालू मेहरा, सी हरगोविंद पंत, डी मोहन सिंह मेहता। तो ये अदा की थी कालू सिंह मेहरा जी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्राणोत्सर्ग के अंततः टिहरी की जनता को राजशाही से मुक्ति मिली? ऑप्शन ए नागेंद्र शक्लानी, बी श्रीदेव समान, सी विश्वेश्वर दत्त शक्लानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीदेव सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था? ऑप्शन ए 30 मई 1930, बी 20 मई 1932, सी 30 मई 1931, डी 30 मई 1929। तो ये घटित हुआ था 30 मई 1930 को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हरेला क्या है? हरेला क्या है? हरेला क्या एक त्यौहार है? हरेला क्या एक त्यौहार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है? उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है? ऑप्शन ए नाक में, बी पांव में, सी गले में, डी हाथ में। तो तिलहरी पहना जाता है गले में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का ऐसा मंदिर जहाँ रावण की पूजा होती है, उत्तराखंड का ऐसा मंदिर जहाँ रावण की पूजा होती है? ऑप्शन ए बैरासकुंड मंदिर चमोली, बी राहु मंदिर पौड़ी, सी जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा, डी बागनाथ मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैरासकुंड मंदिर चमोली, यहाँ सिर्फ रावण की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए काली, बी टॉन, सी रामगंगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसाऊ बांध जो है टॉन्स नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा? ऑप्शन ए मुस्लिम, बी सिख, सी जैन, डी ईसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजजात 2014 में किस अवधि में संपन्न हुई? ऑप्शन ए 4 अगस्त से 6 सितंबर, बी 16 अगस्त से 16 सितंबर, सी 18 अगस्त से 6 सितंबर, डी 21 अगस्त से 10 सितंबर। तो ये नंदा राजजात यात्रा 2014 में संपन्न हुई थी 18 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? ये क्वेश्चन अभी अभी रिपीट हो चुका है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक